तो शिवपाल यादव का अपना जो परिवार है उसने पूरे परिवार ने इस्तीफा दे दिया। अभी मुलायम सिंह यादव के घर पहुंचे हुए, उनसे मुलाकात हो रही है। अनूप श्रीवास्तव इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ है। ये क्या हो रहा है आगे अब अनूप जी? देखिए, जिस तरह से शिवपाल यादव को उनके जो विभाग थे, जिस तरह से अखिलेश यादव ने शिवपाल से उनके विभाग वापस लिए और जिस तरह से उनके चहेते अफसर दीपक सिंघल को हटाया और उसके पहले कौमी एकता दल का जो मामला हुआ था उसको लेकर शिवपाल अंदर ही अंदर बहुत आहत थे। मैराथन मीटिंग हुई थी इनकी मुलायम सिंह यादव जी से दिल्ली में और दिल्ली में ही इन्होंने इस्तीफे की, ऐसी जो सूत्र है हमारे सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में ही इन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने स्ट्रिक्टली इनको मना कर दिया था लेकिन इस पर भी शिवपाल का मन नहीं माना और कल रात को इन्होंने जो है खुद का, अपनी पत्नी का और अपने बेटे का इस्तीफा जो है सौंप दिया। हालांकि इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है, ना तो मंत्रिमंडल से और ना ही प्रदेश अध्यक्ष के पद से, लेकिन शिवपाल कम से कम इस इस्तीफे की जो इस्तीफा इन्होंने दिया इसके जरिए वो कम से कम चाहते हैं, इन्होंने ये चाल चली है कि अगर उनकी वापसी होती है, उनको वापस लिया जाए तो उनकी हनक जो है सत्ता और सरकार दोनों में वैसी ही बनी रहे जैसे पहले बनी हुई थी। अब पूरा दरमोदार मुलायम सिंह यादव के ऊपर है। आज और कल दो दिनों का वक्त है और इन दो दिनों में मुलायम सिंह यादव को जो है कोई ना कोई किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना होगा और जाहिर सी बात है कि मुलायम सिंह जो फैसला लेंगे उसे दोनों, चाहे वो चाचा हो या भतीजे हो, अखिलेश हो या शिवपाल हो, दोनों को मानना होगा। तो एक खास तरह की मीटिंग कल जो है, एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है जिसे हम संसदीय मोड की मीटिंग भी कह सकते हैं और जिसमें सारे बड़े नेता और सारे बड़े परिवार के लोग शामिल होंगे और उसके बाद कोई ना कोई नतीजा जरूर निकल आएगा। निशांत जी,